प्रिय छात्रों, आज हम फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है, उसका अध्ययन करेंगे। उसका फर्स्ट स्टैंजा है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द फॉलोइंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। प्रस्तुत स्टेंजा में कवि किसी देहात के कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। शाम का समय है और उसके सामने वह निर्धन और अज्ञात व्यक्तियों की बहुत सी कब्रें पड़ी हुई हैं और निर्धनता तथा अभाव के कारण उन व्यक्तियों की प्रतिभा सदैव दबी रही। प्रस्तुत कविता में कवि ने ऐसे ही अभावों से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है और वह दिन के समापन की तरफ कवि का ध्यान है और कवि को अपने इस स्टेंजा के माध्यम से वह लोगों को इस बात की याद भी दिलाता है कि जीवन में कुछ भी बहुत अंतिम समय तक या स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है और अंततः डेथ कम्स टू ऑल, मौत सभी की होती है। तो हम इसके हिंदी अनुवाद पर जाते हैं कि द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, अर्थात कर्फ्यू का आशय यहाँ पर संध्या समय बजने वाली गिरजाघर की घंटी से है और टाल माने बजना। तो शाम के समय गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं, वो इस बात का सूचक है कि अब दिन समाप्त होने वाला है। आप पार्टिंग डे, पार्टिंग माने एक तरह से गुजर जाने वाला, समाप्त हो रहा, डाइंग, डे माने दिन, अर्थात अब दिन का समापन होने वाला है। द लोविंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, लोविंग का मतलब रंभाते हुए, जैसे कि जो पशु जब अपने चारागाहों से अपने घर की ओर वापस लौटते हैं तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, उसको लोविंग कहते हैं। तो रंभाते हुए पशुओं की आवाज़ें जो चारागाह से ली, माने चारागाह, विंड स्लोली, और स्लोली मतलब धीरे धीरे, और विंड यानी हवा की तरह गति करते हैं अर्थात चलते हैं। तो जब उनका दिन भर के चारागाहों से जब उनके चरने का समय समाप्त हो जाता है तो रंभाते हुए पशु अपने चरवाहों के देखरेख में
अपने घर की ओर बहुत धीरे धीरे चलते हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। और इसी प्रकार जो थका हुआ किसान है, प्लाउमैन है, हलवाहा है, होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। और प्लॉट माने भी धीरे धीरे चलना होता है और वियरी माने थका हुआ। तो एक किसान अपने खेत में दिन भर परिश्रम करने के पश्चात होमवर्ड माने घर की तरफ, प्लॉट्स हिज वियरी वे, अपने थके हुए कदमों के साथ अपने घर की ओर चलता है, अर्थात अपना मार्ग पूरा करता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और इस प्रकार वह कब्रिस्तान में अंधकार तथा कवि के अलावा और कोई नहीं होता है, अर्थात वह अपने पीछे एक अंधकार छोड़ जाता है। तो ये रहा इस प्रस्तुत स्टेंजा का हिंदी अनुवाद। और अब हम आपको इसके पीछे ये बताना चाहेंगे कि इसका अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन किस प्रकार होगा। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट द इवनिंग बेल्स आर रिंगिंग एंड टेलिंग द पीपल दैट द डे इज टू बी ओवर एंड सून देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर। द विंड इज ब्लोइंग वेरी स्लोली। द कैटल आर रिटर्निंग होम एंड दे आर वेरी ईगर टू सी देयर यंग वंस। द फार्मर इज टायर्ड ऑफ हिज होल डे लेबर एंड ही इज ऑल्सो रिटर्निंग होम स्लोली। सो ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट दैट द डे इज गोइंग टू बी ओवर एंड देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर। द पोएट विल बी लेफ्ट अलोन।